ये गाइस, मैं हूँ आपका 9 to 5 जॉब करने वाला एम्प्लॉई एंड आज मैं ऑफिस में लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरे साथ आज पोपट हो गया. एक अमेरिकन कपल के कारण मैं 10 मिनट ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ एंड मैं उसका कारण मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे लेट हुआ, उन्होंने मुझे कैसे तंग किया. सो अभी मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा हूँ तो मुझे भागना. आई विल सी यू देयर. Hey guys, this is Paul. Please subscribe to this channel. Ah, I cannot. This is weird. So, we are an eat and run case. We're just gonna eat and get back to work at office. Yeah. Please subscribe. Yeah, sure. So I just came out of office and it was a pretty fun Thursday because हर Thursday free food होता है तो मज़ा ही आ जाता है and drinks भी होती है but I couldn't take drinks home because वो कहते हैं कि खोल के देंगे and I actually got it and उन्होंने खोल के दे दी but I don't drink so मैंने तो यही सोचा था कि I can take home for someone else पर वो allow नहीं करते so I mean मैंने किसी open drink किसी और को दे दी जो 21 से ऊपर था because only 21 above are allowed and other than free food आज मैं बहुत excited हूँ. I'm going to meet Nani after around 2 weeks and pretty excited for that so I'll see you there. आज मैं नानी नू मिलन आया 2 हफ्ते बाद तो तुझे मिस कितना नानी. हाँ ऑफ कोर्स आई मिस यू वेरी मच. तो नानी ने मैंने बहुत जानते हैं नानी कहते कि व्हाई यू टॉक अबाउट फ्री फूड टू मच एंड रिसेंटली आल्सो आई हैड अ ईट एंड रन केस तो उन्होंने मैंने मतलब जितना फ्री फूड इवेंट से दे आस्क मी अभी आर यू इन ईट एंड रन केस मतलब खा के भाग रहे हो व्हाई आई मीन. तो मैंने कहा नहीं वी जस्ट केम फॉर द इवेंट एंड वी हैव अ क्लास हमेशा यही बहाना होता है एंड आई जस्ट रन. अब मतलब ऑफिस के इवेंट्स में तो मतलब चलता है यू नो दैट कि खाने आए हैं तो तब चलता है बट स्कूल में थोड़ा थोड़ा नर्वस लगता है कि अब खा के निकल रहे हो तो आपको लगता होगा कि मैं लाचार हूँ गरीब हूँ घर में खाना नहीं मिलता फ्री फूड फ्री सामान के पीछे भागता रहता हूँ और बहुत ज़्यादा गरीब हूँ मतलब ठरकी हूँ जो भी है मतलब ऐसा नहीं है. मैं फ्री फूड के पीछे बहुत ज़्यादा इस कारण भागता हूँ क्योंकि मतलब जब खाना नहीं बनाना पड़ता और सामने खाना दिख जाता है ना दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड और मतलब ड्रीम्स कम ट्रू वाली फीलिंग आती है और मतलब बस मज़ा ही आ जाता है क्योंकि खाना बनाने में टाइम इतना लगता है और कभी कभी बोर हो जाता हूँ ज़्यादा बनाना मज़ा नहीं आता चाहे कभी कभी अनहेल्दी होता है पर मज़ा आता है. आई जस्ट बर्न दोज कैलरी जब भी जिम जाता हूँ तो इस कारण इतना फर्क नहीं पड़ता. कभी कभी फ्री फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है. देखो रानी अमेरिका कैसा लग रहा है सो फार. वेरी नाइस आई लव अमेरिका आई लव टू स्टे हियर पीपल आर वेरी स्वीट स्माइलिंग एंड आवर एनवायरनमेंट इज पोल्यूशन फ्री सो जस्ट हियर दिस जस्ट लाइक ए heaven and my children are here my family is here so that's why it's a heaven for me. नानी तो पूछते फ्री फूड का की विचार है थोड़ा की विचार है मैंने फ्री फूड खाना चाहिए था कि नहीं मतलब पीछे पहना चाहिए था कि नहीं. नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं. आई वांट बहु. क्यों मैं ऐसा मिलेगी नहीं नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी वो कहेगा पुखा पजेगी पजेगी कहेगी कहेगी कंजूस है छोड़ो इन्हें. ये पर मैं मतलब अपने आप को चेंज कर लाऊंगा मतलब हल्ले एक्साइटमेंट है अभी मतलब बचपन का फेज है तो बाद में चेंज हो जाऊंगा इट डिपेंड्स. मैं अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ फ्री फूड के लिए एंड एज यू नो इन माय ऑफिस हो गया मैच्योर हूँ तन ग्रेजुएशन दी मिल गई डिग्री यू आर इंजीनियर यू आर नॉट अ चाइल्ड. एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई मतलब ऑफिस में ना मतलब उन्होंने मतलब एक कंपटीशन रखा कि एक कोई मतलब अब समझ लो टास्क वो जो ज़्यादा करेगा या जो ज़्यादा अच्छे से करेगा उसे मतलब फ्री लंच पड़ेगा और आपको पता है कि जहाँ खाना वहाँ हम तो जीतना तो बनता ही है. तो जीता मैं ही. तो अब फ्री फूड पंजाबी दी कहावत है ना पक्की रोटी देख के बह जा तू फिर नाम 2 मिनट दी शर्मिंदगी ते सारे दिन दा आराम. मैनू नहीं समझ आया पक्की रोटी देख के मतलब जिथे रोटी पक्की पकाई मिल जाए फ्री मिल जाए तू हरनाम लड़के का नाम है तू बह जा तू हरनूर हरनाम दी हरनूर 2 मिनट दी शर्मिंदगी 2 मिनट दे लगेगा भुखा बट सारे दिन दा आराम
समझ गया चलो ठीक है कोई गल नहीं मतलब द पॉइंट इज कि आई विल ट्राई टू इंप्रूव माय सेल्फ मैं थोड़ा फ्री फूड लिमिट में खाऊंगा बाद में पर अभी जहां खाना वहां हम जीतेंगे जरूर और हर थर्सडे फ्री फूड का रहेगा इंतजार सो दैट्स प्रीटी मच इट सो फाइनली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऑफिस के लिए लेट कैसे हुआ तो मैं तो आपका सेम वही 9 to 5 जॉब करने वाला आम इंसान हूँ तो उसी ट्रेन में ही जा रहा था तो हुआ क्या कि आज थर्सडे था और वीकेंड पॉलिसी होती है जो भी डेज वीकेंड से दूर होते हैं वहाँ ज़्यादा ऑफिस जाते हैं और स्पेशली हमारे ऑफिस में तो थर्सडे फन थर्सडे होता है फ्री फूड कारण सबने तो आना ही है सो इस कारण मंडे और फ्राइडे यूजुअली लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इस कारण मतलब तब रश ज़्यादा नहीं होता एंड थर्सडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड इन द सिटी एंड इवन ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है ट्रेन भी क्राउडेड होती हैं तो उसी कारण मैं बीच में मतलब ऐसे खड़ा था मतलब ट्रेन में और हुआ क्या कि उसके बाद मैं ट्रेन में खड़ा हूँ मैंने सोचा मुझे बाद में जब मेरा स्टेशन आएगा मिड टाउन तब मुझे जगह मिल जाएगी पर जगह मिली नहीं मैं मतलब दरवाज़ा खुल चुका है मैं खिसक के ऊपर से मेरे पास सूटकेस था क्योंकि मैंने सीधा इधर आना था तो मैं खिसक के जा रहा हूँ और जब तक मैं दरवाजे तक पहुँचा एक कपल बाय बाय कह रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब एक वो लड़का कह रहा है और उसने मुझे जगह ही नहीं दी मतलब पूरा दरवाज़ा मल के बाय कह रहा है बाय बाय और उसके कारण मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैं राइट हुआ वो भी राइट हो गया वो लेफ्ट हुआ मैं भी लेफ्ट हो गया तो उसके कारण जब तक मैं जाने वाला था तब तक दरवाज़ा बंद हो गया और ट्रेन मिस हो गई तो स्टेशन मिस हो गया एक्चुअली तो स्टेशन मिस होने कारण मुझे अगले स्टेशन रुक के पिछले स्टेशन जाने वाली ट्रेन पकड़नी पड़ी और उसके कारण 10-15 मिनट में लेट हो गया और थोड़ा सा ऑफिस का मतलब थोड़ा सा लेट हो गया पर मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो स्क्रम मीटिंग होती है माय वीकली मीटिंग्स एक्चुअली माय डेली मीटिंग इज अराउंड 10:30 सो आई वाजंट लेट सो इट वाज प्रीटी कन्वीनिएंट बट आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम एंड आई विल स्टैंड क्लोजर टू द डोर सो दैट मैं मतलब अपना नेक्स्ट स्टेशन पकड़ पाऊँ इसके अलावा आपने एक चीज़ व्लॉग में ज़रूर नोटिस की होगी क्योंकि मेरे व्लॉग में बाल कहीं पर इम्परफेक्ट है कभी छोटे हैं बड़े हैं ख़राब हैं एंड उसका कारण यह है कि लाइफ की तरह मेरा ये व्लॉग भी इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्ट चीज़ें देखने से मुझे पर्सनली खुशी मिलती है सो हर बार की तरह मैं आपको और इम्परफेक्ट व्लॉग्स ऐसे ही लाता रहूँगा सो दैट्स प्रीटी मच इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन गुड बाय नानी भावे जिन्हें मर्जी सितर मार लें फ्री फूड नहीं खाना पर मैं नहीं रुकना मैं खाता ही रहना जो मर्जी हो जाए देख भाई एक बहू तो मैंने मिल गई बेटे दी वो मतलब शी सर्व मी वेरी मच बहुत सेवा करती है इन्नी ज़्यादा सेवा करती है आई एम सो हैप्पी विद हर तो हूँ मैनू तेरी वालों भी बहू चाहिए है उन्हें है ना फ्री फूड करके तो मैं मेरी बहू ना गवा दी ठीक है मैं आई नीड नहीं गवांदा चिंता ना करो आई नीड बो ठीक है मान गया ठीक है नहीं गवांदा ठीक है नानी तोड़ा की विचार है ईट एंड रन केस बारे नहीं वो मेरे को मैं आई एम वेरी अगेंस्ट फ्री फूड यू नो यू वोंट हैव एनी फ्रेंड वो कहेगी फ्रेंड कहेगी चल रेस्टोरेंट में जाए पैरिस में घूम आए पिक्चर देख आए तो तू कह नहीं 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 चल गुरुद्वारे में जाए मंदिर में जाए फ्री फूड खाए तो कहेगी बाय 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 सो दिस विल बी द रिजल्ट सोच ले कि फ्री फूड खाने कि कमाई का खाने हैं